किसी क्लब में मेला का आयोजन किया गया था। उस मेले में तेलीपड़ा चाय बगान से एक युवक 26 वर्षीय क्या नाम था लक्ष्मण उराव नाम के युवक घूमने गया था, जिसका शॉर्ट सर्किट से वहां पे डेथ हो गया। कहना है कि मेला कमेटी का कहना है कि वो झूला में झूला, उसके बाद में उनको जो है चक्कर आ गया और वो उनकी डेथ हो गई। तो प्रत्यक्षदर्शियों का और लोगों का कहना है कि वहाँ पे तार खुला हुआ था बिजली का, जिसके ऊपर गिरने के बाद में उनकी डेथ। दिखाओ थोड़ा जगह तो बता दो। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मेला लगा हुआ है नजदीक नजदीक। हाँ उस साइड ऊपर में, ये ऊपर में कहाँ पे पांव फंस गया था, ये इस टावर में पांव फंस गया था, तो वहाँ पे उसको करंट लगा था ना, क्या हुआ था? करंट लगा था। तो आपका घर कहाँ है बाबू? हटकोला। बिनागुड़ी के हैं आप? तो यहाँ पे उसको करंट लगा था, आप लोग थे वहाँ पर। तो देखिए प्रत्यक्षदर्शी ये युवक लोग भी बोल रहे हैं करंट लगा, बिजली का ये तार है और यहाँ पे तार ऐसे बिजली का लगाया गया है, आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पर अभी इसको टेप वगैरह लगाया गया है। इसी जगह पे पैर फंस गया था उसका। कहाँ पे पैर फंसा था? वहाँ पे पैर फंस गया था। तो देखिए यही पैर ये झूला से उतरने के टाइम में तो उसको पैर फंस गया था यहाँ पर। छोटा बच्चा बोल रहा, उतरने का जगह नहीं। कहाँ से आया था? तेलीपड़ा से। यहाँ पे कैसे आया था? तेलीपड़ा। और यहाँ पे उसको करंट लग गया था। इसका उधर देखिए गिर गया। और ये फ्लेक्सिबल है। तेलीपड़ा से यहाँ पे कैसे आया था? तेलीपड़ा। हाँ, और यहाँ पे उसको करंट लग गया था। इसका उधर देखिए गिर गया। और ये फ्लेक्सिबल है, खुलने वाला है, आप देख सकते हैं। ना यही वो BDSC क्लब में मिलन मेला लगाया गया है BDSC क्लब में। और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप लोग देख रहे हैं। इसी मेला में कल एक दुर्घटना हुई थी, जो जिसमें एक 26 वर्षीय लक्ष्मण उराव नाम के एक युवक की मौत हो गई थी शॉक लगने से, एक्सीडेंटल ये करंट लगने से, ये लापरवाही के कारण यहाँ पर हुआ है। तो आइए देखते हैं, मेला देखिए यहाँ पर लगा हुआ है और ये मेला का पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये मेला यहाँ पे झूला वगैरह सब लगा हुआ है। हम बोलेंगे कैमरामैन कंचन जी दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर ये झूला लगा है, उसी झूले से बच्चा उतरने के बाद में यहाँ पर यह दुर्घटना हुई और उसको तार खुला हुआ था, जिसके कारण उसको शॉक लगने से उस बच्चे का मौत हो गया। शॉक लगने से झूला झूल के जैसे बच्चा उतरा, तार खुला हुआ था, बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई, ये आरोप लगाया जा रहा है उस परिवार के तरफ से। तो ये दुर्घटना यहाँ पर BDSC क्लब ग्राउंड में, ये मेला जो लगा हुआ है, इसी मेले के अंदर में एक आदिवासी युवक लक्ष्मण उराव 26 वर्षीय का निर्मम मौत हो गई शॉक लगने से, जिसको लेकर आदिवासी समुदाय में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। तो देखते रहिए NEI द्वास न्यूज़ और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहिए। मैं रमन कुमार झा, BDSC क्लब मेला ग्राउंड से। लक्ष्मण उराव नाम के युवक घूमने गया था, जिसका शॉर्ट सर्किट से वहां पे डेथ हो गया। कहना है कि मेला कमेटी का कहना है कि वो झूला में झूला, उसके बाद में उनको जो है चक्कर आ गया और वो उनकी डेथ हो गई। तो प्रत्यक्षदर्शियों का और लोगों का कहना है कि वहाँ पे तार खुला हुआ था बिजली का, जिसके ऊपर गिरने के बाद में उनकी डेथ हो गई। तो इस घटना से आप देख रहे हैं कि पूरे हल्दीबाड़ी इलाके में, तेलीपड़ा बिनागुड़ी इलाके में सनसनी मचा हुआ है और मेला में ऐसे मिसमैनेजमेंट को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। तो हम बात करते हैं उनके पिताजी से कि ये क्या घटना हुआ और वो उनका क्या कहना है। तो थोड़ा सा आप नज़दीक आइए और नज़दीक आइए, खाली इनका लीजिए, यहाँ पे आइए। बताएं से आप सर, वही घटना तो हो रही जैसे आप बताए हैं, वही घटना कि लोगों जो कह रहे कि ये बिजली से शॉर्ट खाया गिर के। हाँ, जब गिरा है बिजली से शॉर्ट हो गया, उसी टाइम में गिरा, उस टाइम में पीछे से उठाया एक आदमी
तो उसको भी शॉट मारा, तो उसने डर गया और मतलब वहाँ पे बिजली का तार खुला हुआ था, खुला हुआ था बिजली वहाँ पे तार खुला हुआ था, तो हम जाकर तो नहीं देखा है, तो बिजली तार वहाँ पर खुला था, झूला झूल के नीचे उतरा, उसको बिजली के तार पे पैर पड़ा, वो चक्कर खा के गिर गया, गिर गया। तो यही हुआ। आपसे कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ का थाना या वीडियो वगैरह कोई मिलने के लिए आए थे इस घटना पे? नहीं आया, लेकिन बिना बुढ़ी से कुछ आदमी आया था, वो लोग पूछताछ किया तो हम लोग बताया, यही बात बताया, तो वो लोग लेकर के चला गया। वो लोग आपका बच्चा का डेड बॉडी लेके गया, कहाँ पे लेके गया? वो लोग पोस्टमार्टम के लिए। तो देखिए यहाँ पे घटना ये है कि इस युवक की, 26 वर्षीय युवक लक्ष्मण उरांव की मौत, झूला झूलने के बाद वो उतरता है और तार खुला होता है जहाँ उसका पैर पड़ता है और बेहोश होकर गिर जाता है। ऐसी लापरवाही से एक बच्चे की, एक युवक की, एक 26 वर्षीय युवा व्यक्ति का मौत हो जाता है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे राजेश लकड़ा जी भी समाज से भी आए हुए हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग यहाँ पर, गांव के लोग, देखिए यहाँ पे इतनी महिलाएं सब इस शोक में शोकाकुल होने के लिए। कोई भी मैनेजमेंट अगर मेला का होता है तो सुदृढ़ होना चाहिए, जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो। यहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही भी देखा जा रहा है कि इस मेला को परमिशन कैसे दिया गया, जहाँ पर खुला तार रखा हुआ था, जहाँ पे लोग मेला घूमने जा रहे हैं, उसकी पूरी देखभाल ठीक से नहीं हुई थी। तो यहाँ पर ये मैटर है, लोगों का आरोप है कि ये मैटर यहाँ पे जो है मिसमैनेजमेंट का मैटर है, मेला कमेटी का मिसमैनेजमेंट का ये काम है, और प्रशासनिक अधिकारी और बिजली विभाग को भी ये देखना चाहिए था। इस घटना को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। अपने जवान बेटे को पिताजी खो दिए यहाँ पर, सामने आइएगा, और ये माता जी है, माता लक्ष्मण उरांव कर डेथ हो गए, तो एक लेकर कार और मन में है कि एक दोष है, तो देखिए माँ का एक जो भावना होता है ना, मेरे तरफ की माँ का एक भावना होता है, और माँ बोल नहीं पाती मैं किसके ऊपर आरोप लगाऊं, इनका बेटा खो गया, तो माँ का आप छलकते हुए आंसू देख सकते हैं, इनके दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी घटना बिनागुड़ी मेला देखने के दौरान एक युवक के साथ हुआ है, भगवान न करे कि ऐसा किसी भी परिवार के बच्चे के साथ में इस तरह का घटना हो, लेकिन इस घटना को लेकर लोगों में काफ़ी दुख है कि स्थानीय कोई प्रशासन अधिकारी एक आदिवासी युवक की मौत होने के बाद में भी कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ देखने तक नहीं आया, और इसको लेकर लोगों ने काफ़ी नाराजगी है। तो आइए बात करते हैं राजेश लकड़ा जी का क्या कहना है। राजेश जी थोड़ा सा आइए। आज का ये शोक का माहौल है, ये हमको हमारा ही कर्मी समर्थक जितने सोशल वर्क है, वो बिन्नागुड़ी, तेलीपाड़ा, हलीबाड़ी, अमोरा घाट का इस क्षेत्र से हमको काफ़ी फोन आया, तो मैं कुछ काम में था, तो मैं काम निकाल के मैं तुरंत ही पहुँचा, ताकि सबसे पहले मैं शोकित परिवार के पास पहुंचकर, जितना मुझे खबर मिला है कि संग्रह मिला है, इससे मुझे लगता है कि ये जो अवैध मेला था, ये किसी प्रकार से कोई भी प्रशासनिक परमिशन नहीं था इसका। आज कहा जाए कि जिस प्रकार से हम ये घर का बच्चे का गार्जियन का लक्ष्मण उरांव उस लकड़ा का कहना है, उनके पिताजी का, कि उनके बेटे के इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा देहांत हुआ है। मेरा कहना है कि फिटनेस सर्टिफिकेट मिला था फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से, आयोजन करता जो मेला के जो मैनेजमेंट है उसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिला था। सरकार का जिम्मेवारी बनता है प्रशासन को देखना, जब पुलिस का परमिशन था कि नहीं, वीडियो का परमिशन था कि नहीं, यदि परमिशन था तो राजेश जी क्या प्रशासनिक अधिकारी मेला कमेटी से मिलकर अवैध रूप से ये मेला चला रहे? तो देखिए हम आ रहे हैं इसके बारे में, अभी पार्थिव शरीर जो हमारा युवा तरोताजा जो युवा अवस्था में स्वर्गवास हो गया है लक्ष्मण उरांव, आज उनके किसके वजह से आज युवा अवस्था में उनको ये त्याग करके जाना पड़ा, उनके इसलिए त्याग करके जाना पड़ा क्योंकि प्रशासनिक व्यर्थता, प्रशासन चाहता तो इस प्रकार की दुर्घटना को रोक सकता था, प्रशासन ने क्या फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से फिटनेस सर्टिफिकेट लिया था, फिट था कि नहीं,
आके चेक किया तो कहीं उसका सर्टिफिकेट तो मेला कमेटी से हम लोग मांगेगा फिर सर्टिफिकेट। बिजली डिपार्टमेंट से नहीं, सबसे बड़ा आता फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट आपका स्टेज से लेकर समस्त इलेक्ट्रिफिकेशन का वायरिंग से सुरक्षा व्यवस्था की जांच, सारा सुरक्षा व्यवस्था का जांच करता है। और अग्नि निवारण का किसी प्रकार का दुर्घटना हो तो वहां पर वो इमरजेंसी कदम उठाने के लिए सारा व्यवस्था वहां पर रखना चाहिए था, क्योंकि वहां पर लाखों के तादाद में मेला में वो मेला के जो देखने जाएंगे दर्शकगण जाते हैं, तो वहां पर क्या व्यवस्था, पुलिस का क्या व्यवस्था था, बस जिसका मेला है मेला का जो प्रबंधक है उसने क्या व्यवस्था करके रखा था कि विद्युत का जो शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा वहां, इसके चेक करने के लिए कोई कमेटी बनाया था कि नहीं, कमेटी बनाया था तो कमेटी किसको सबमिट किया, सुरक्षा जांच का जो कमेटी है उसका अप्रूवल लेना पड़ता है पुलिस के माध्यम से, पुलिस ने क्या अप्रूवल दिया था, वीडियो का वो अप्रूवल था, अभी ये अभी देखने के विषय है। अभी दुर्घटना घटा है ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरोताजा आदिवासी युवक को आज स्वर्गवास होना पड़ा, जिन अल्प वयस में जिसका कोई आयु नहीं था, हम मानते कि बूढ़े उम्रदार बुजुर्गदार होता फिर भी एक अच्छा एक चीज होता है, कोई दुर्घटना होती है और एक चीज हो जाता है कि मुआवजा उनको मिलना चाहिए, लेकिन मुआवजा सरकार से उचित मिलना चाहिए। एक युवा परिवार, एक युवा 26 साल का युवक जिंदगी में वो कोई बड़ा आदमी ऑफिसर भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, तो इसको आप किस नजरिए से देखता है? देखिए कलकत्ता में यदि ये घटना घटता तो आज शायद इनके घर में VIP गाड़ियों का लाइन हो जाता। ये जंगल है भाई साहब, ये डुअस ये जंगल में हम जैसे इंसान का, यहाँ गोरखा भाइयों का, आदिवासी भाइयों का, बंगाली भाइयों का, मुस्लिम भाइयों या बिहारी भाइयों या मारवाड़ी भाइयों का मिश्रित भाषाभाषी के बसवास क्षेत्र है डुआस, यहाँ पर इतना बड़ा दुर्घटना घटने के बावजूद भी अभी तक मेरे यहाँ, मैं करीबन यहाँ 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मेरे नजर में तो अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी व कर्ता व बड़े बड़े VIP हमने नहीं देखा यहाँ पर, जो कि यहाँ आज माने सच बोला जाए तो एक बात बोलना चाहूंगा, डुआस में भी दो सांसद है, किसी का दर्शन नहीं हुआ, जनप्रतिनिधि यहाँ भरा पड़ा हुआ है, आगे किसी का आगे दर्शन इसको लेकर आप बातचीत करेंगे सभी डिपार्टमेंट। अभी देखिए ना, अभी तो सबको मालूम चल गया होगा कि राजेश लकड़ा आ गया, अभी देखिएगा सब मेरे पीछे आपके पीछे आएंगे, राफी के चैनल के माध्यम से बोलेंगे हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे, हम इसके लिए ये करने आए हैं, वो कर रहे हैं। देखिए मैं तो गरीब आदमी हूँ, गरीब एक सामाजिक संगठन से बिलोंग करता हूँ, मैं सीधे गरीब होने के नाते मैं इनके पास में क्योंकि मैं नहीं हूँ। तो देखिए राजेश लकड़ा जी का साफ कहना है कि एक आदिवासी युवक की 26 वर्षीय लक्ष्मण उरांव उर्फ लकड़ा का यहाँ पे मौत हुआ है एक मिसमैनेजमेंट के कारण, प्रशासनिक दुरुपयोग के कारण, लेकिन कोई भी VIP इस आदिवासी परिवार के घर में नहीं आए, राजेश लकड़ा जी का आरोप है। लेकिन वाकई में यहाँ पर हम लोग मीडिया वाले जितने भी हैं, अभी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है और न ही इस युवक के परिवार से कोई सहानुभूति को लेकर कोई सरकारी प्रतिनिधि ही या स्थानीय कोई MP MLA राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो कोई नहीं पहुँचे हैं। ये आरोप राजेश लकड़ा का है और इनका साफ कहना है कि इस युवक को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। काल की घटना हुई थी दादा, काल के जो लोग एक जन 26 वर्षीय लक्ष्मण उरांव जो मारा गया थे, करंट लगे की भावे में की हुए थे और तो माल का भूमि पर गया, भूमि पर के बाद हॉस्पिटल लगे गया, तो धुला में नहीं है तो नीचे में हाँ। तो वहाँ करंट भी लगा उसको ऐसा? नहीं, करंट नहीं लगा। अपना नाम की? कृष्ण सर। और मेला मालिक नाम की? अमरुन इस्लाम। अमरुन इस्लाम की नाम परिष्कार करे बोलें। अमरुन इस्लाम। तो यही घटना टा कोयटा समय हुए चले? टाइम का तो मैं शूटिंग बोल तो हूँ। संध्या 8 ना 9 मोटामोटी 9টা পরে রাত্রি কালকে। इस लक्ष्मण उरांव युवक के मृत्यु के बाद महिलाएं बच्चे सब आसपास के लोग आए हुए हैं और यहां पर काफ़ी
लोगों में शोक का माहौल देखा जा रहा है। ये बिनागुड़ी मेला लगी हुई है और वहाँ मेला कमेटी के मिस मैनेजमेंट के कारण एक युवक की मौत हो गई और वहाँ पर बिजली के करंट लगने से युवक की मौत हुई है। और कहना लोगों का, मेला कमेटी का कहना है कि युवक को मेला में झूला झूलने से हार्ट अटैक आया, लेकिन वहाँ पे अप्रत्यक्षदर्शियों का या परिवार वालों का कहना है कि नहीं, वहाँ तार खुला हुआ था जिसके कारण युवक की मौत हुई है। और आज देख रहे हैं कि इस शोकाकुल परिवार के पास कितने लोग आए हुए हैं और यहाँ पर इससे लेकर शोक का माहौल। काम करने वाले ये लोग हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लड़का कैसे, युवक का मौत हुआ था भाई? हमें पता नहीं, हम लोग दुकानदारी कर रहे हैं। दुकानदारी कर रहे थे तो मेला में है, आपको पता नहीं चला कि कैसे हुआ? हम लोग तो दुकानदारी कर रहे थे, पता नहीं। तो आप मेला वाले के अंडर में आप काम करते हैं, आप लोगों का मेला? अभी हम दुकान लेके आया। हाँ, तो क्या घटना हुआ था जिससे? हम तो मालूम नहीं, हम तो आज ही आया ना। आज आए हैं, अभी तो आया घर। और यहाँ कल कौन थे? आप थे? दिन घटना हुई के छिलो की बोले ना अपना मैनेजर। देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज। मैं रमन कुमार झा, तेलीपड़ा चाय बगान। लक्ष्मण उरांव मृत युवक के घर से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन दोषी को सजा मिलना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।